भारतीय युवा कांग्रेस ने एक रोजगार दो कैंपेन, हमने जो 9 तारीख था भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस, उसमें हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रोजगार दो कैंपेनिंग पहला चरण में किया था। हम दूसरी चरण में पूरा देश भर में रीजनल जो भी लैंग्वेज से सब पे गाना बनाया है रोजगार को लेके, आपको भी अभी गाना हम लोग ने दिखाएगा। और उसके बाद में वॉल पेंटिंग से लेके सिग्नेचर कैंपेनिंग, लेटर कैंपेनिंग, बीजेपी का कितने इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री है, उनके घर के बाहर भी जाके इस देश का नौजवान का नौकरी मांगने का काम हम लोग ने करेंगे। क्यों, ये सत्ता के आने के पहले साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, इतने बड़े बड़े वादा किया था, एक नौजवान को भी नौकरी अभी तक नहीं दे पाया। अब 6 साल हुआ, 12 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है, 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम इस गुंगे बेरे निकम में सरकार ने किया है, ये सूट बूट की सरकार ने किया है। ये आप अभी नया जहाज मंगा रहे हैं 1000 करोड़ का, उसी में आप बहुत सारा युवा के लिए सोच सकते हैं। आप एक इवेंट, हर चीज में इवेंट बना रहे, कोरोना को भी इवेंट बनाया, तमाम बनाया, आप कुछ भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का युवा के बारे में आपको सोचना है, जब तक नहीं सोचेगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं है। इस देश में जब जब युवा खड़ा हुआ के सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, तब उनका सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम इस देश का युवा ने किया है। रोजगार नहीं है तो सरकार भी नहीं है। ये पूरा भारतीय युवा कांग्रेस, पूरा देश भर, इस बीजेपी का कोई एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इनका मंत्री हो, घर से निकलने नहीं देंगे और बड़ी लेवल पे इनका पार्लियामेंट घेराव करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करेंगे।